नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोविड 19 के चलते कोरोना महामारी के कारण देश भर में सामाजिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और भगवान के मंदिर यानी सभी प्रकार के धार्मिक स्थल भी बंद रहे। 2020 का शून्यकाल, जिस कारण जहां धार्मिक स्थलों और मंदिरों में हमेशा भीड़ लगी रहती थी, वे आज पूरी तरह से बंद है। हर साल जन्माष्टमी पर देश भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और जन्माष्टमी का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया भी जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्रद्धालु इस दिन भगवान कृष्ण से पूरे विश्व के लिए सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस बार मंदिरों में वैसी रौनक नहीं होगी, लोग घरों से ही भगवान को झूला झुलाएंगे। हालांकि ये त्यौहार लगातार 3 दिन से मनाया भी जा रहा है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। मंदिरों में भी भगवान की मूर्तियों को छूना मना है। हालांकि मंदिरों को भव्य रूप से सजाया भी जाएगा, भगवान का जन्म दिवस भी मनाया जाएगा और पूजा अर्चना भी की जाएगी, मगर लोग अपने अपने घरों से समय के अनुसार ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। कई मंदिरों में तो लाइव यानी ऑनलाइन पूजा का भी प्रबंध किया गया है। कई स्थानों पर 11 तारीख को भी ये जन्माष्टमी मनाई गई है, लेकिन पूरे देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। आइए देखते हैं पल पल की एक खास झलकियां। Thank you.
श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो ये हमारे विश्व में, देश के पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, हमने भी संकल्प में भी यही उच्चारण किया है कि हे प्रभु, इस महामारी को जल्दी से जल्दी ठीक करें ताकि हमारा देश पुनः जो है अपनी ओर चले, जिस प्रकार से तरक्की में चल रहा था। और कल से भी हम ना यहाँ एक जाप करवा रहे हैं 7 ब्राह्मणों द्वारा, जो कि डेली 25,00,000 ओम नमो भगवते वासुदेवाय और 31,000 डेली गायत्री का पाठ होगा, जो इस देश की महामारी के लिए निमित्त किया जाएगा। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी हमारे देश में सुख और समृद्धि बनी रहे, भगवान कृष्ण सबके ऊपर कृपा करें और यह जो है हमारा देश पुनः तरक्की की ओर चले। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है और यह त्यौहार आज हम यहाँ पे शिव शंकर मंदिर के स्थान के ऊपर यहाँ पे मना रहे हैं। बड़े जोशो खरोश से सभी जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उन्होंने इस भगवान कृष्ण जी का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया है। और मैं इस देश के हर नागरिक और कैथल के हर नागरिक को जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये भी कामना करता हूँ कि जो कोरोना की महामारी फैली हुई है पूरे विश्व के अंदर, भगवान उस बीमारी को दूर करे और हमारे देश को पूरी तरक्की दे। और मैं सभी देशवासियों को, जो भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, उसकी भी सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, इतना पावन पर्व जो आज जन्माष्टमी का है, यहाँ पर हम सब भक्त इकट्ठे हुए हैं। सभी ने संकल्प लिया है कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो। ठाकुर जी के चरणों में यही एक अरदास करी है आज हमने, और परमात्मा हमारी जरूर सुनेगा और जल्द से जल्दी सब काम सही होंगे। धन्यवाद।